सर किराए में वृद्धि की गई है, सर किस तरह से वृद्धि की और कहाँ के लिए वृद्धि की है सर? देखिएगा, जो COVID-19 की वजह से जो हमारा रेलों का संचालन चल रहा है वो विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी जो एक्सप्रेस और मेल जो ट्रेन है वो तो पूरी तरह से रिजर्व चला रहे हैं और उनका किराया वही है। लेकिन जो अभी हम लोगों ने लोकल ट्रेनों का संचालन किया है तो उसमें भी COVID-19 के नियमों की अनुपालना करते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो उसको हम लोगों ने मेल और एक्सप्रेस के फेयर के मुताबिक चलाना शुरू किया है। अगर बात करें, क्योंकि ये गाड़ियाँ सभी विशेष गाड़ियाँ हैं, अगर जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं तो नॉर्मल किराए से चलते हैं, लेकिन विशेष गाड़ियों को विशेष तरह से चलाया जा रहा है। तो इसके तहत 1 6 तारीख से इसमें किराया बढ़ाया गया है। अभी जो भी लोकल ट्रेन है उसमें किराया मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के मुताबिक लगेगा। सर अभी फिलहाल की किराए की स्थिति क्या है और बढ़ने के बाद कितना किराया होगा? देखिएगा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर नगर से इंदौर का किराया पहले 10 रुपये होता था, लेकिन मेल और एक्सप्रेस का किराया कम से कम 30 रुपये है। तो अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू से इंदौर की बात करें तो 30 रुपये किराया लगेगा। इंदौर से रतलाम का किराया पहले जो लोकल ट्रेन में 30 रुपये लगता था, अब जस्ट 60 रुपये हो गया है उसका। तो इस तरह से इस किराए में वृद्धि हुई है और ये जो है सभी रेल मंत्रालय के निर्देश पे हुआ है और पूरे भारतवर्ष में है। और ये जो किराया बढ़ोतरी हुई है वो 6 तारीख से हुई है, मतलब आज से हुई है।